हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में 2015 में आए हुए साइंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेकिंग पाउडर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर। एक्चुअली में ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एक वीक एसिड होता है टार्टरिक एसिड, उन दोनों का मिक्सचर है। राइट, सो इट इज राइट स्टेटमेंट। इट फॉर्म्स बबल इन वेट मिक्सचर। ठीक है, तो जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो यहाँ पे एक फिजीनेस देखने को मिलेगी आपको। इट इज ऑल्सो राइट आंसर। इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग यीस्ट। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, यीस्ट की जगह इसका फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है। राइट, देन कम्स इट डज नॉट कंटेन सोडियम बाई कार्बोनेट। तो एक्चुअली में जो ये NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले चाहे इसी का नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट वी हैव द मैचिंग क्वेश्चन। कंपाउंड है और उसका कलर पूछा हुआ है। ठीक है, सो यूरिया का कलर आप देखोगे, यूरिया का कलर होता है व्हाइट। ठीक है, सो दिस इज टू हाइड्रस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। ठीक है, वन। देन लेड सल्फेट है हमारा ब्लैक। ओ एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज पिंकिश पर्पल। ठीक है, सो दिस इज थ्री। ठीक, देन यहाँ पे मैं जो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा 2143। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूला बताना है यूरिया का बता देता हूँ। यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 होल ट्वाइस। देन आप कॉपर सल्फेट जो ये यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रस कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, ये एनहाइड्रस होता है, इसका एक और नाम होता है ब्लू विट्रॉयल। ठीक है, हाइड्रस होता है, सॉरी ब्लू विट्रॉयल इसका एक कॉमन नेम है। ठीक है, देन आते हैं लेड सल्फाइड इज PbS एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वी हैव मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, सो एलिमेंट दिया हुआ, उसके एप्लीकेशन दिए हैं। तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का काम कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर फ्यूल में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ है। ठीक है, देन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का यूज होता है कैंसर के लिए। ठीक है, सो इसका हो गया वन। देन आयोडीन का गोएटर, ठीक है, टू। एंड आइसोटोप ऑफ रेडियम इज यूज इन कैंसर ओनली, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, 4123। ठीक है, अब यूरेनियम का मैं आपको बताऊं आइसोटोप कौन सा यूज होता है। तो यूरेनियम 235 यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूल के लिए। ठीक है, इसके आगे लिख देता हूँ, ज्यादा सही है ना। यूरेनियम 235, गोएटर के लिए आयोडीन का था तो आयोडीन 131, कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 था, और सेकेंडरी कैंसर के लिए रेडियम हमारा 223। ठीक है ना, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, सो ऑल दीज आप इसको याद रखना। ठीक है, चलिए, ऑप्शन था इसका कौन सा, 4123C। नेक्स्ट है, हीमोसाइनिन इज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटलो प्रोटीन प्रेजेंट इन सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, दिस प्रोटीन कंटेन्स। ठीक है, सो हीमोसाइनिन एक्चुअली में हमारा एक किंगडम होता है एनिमेलिया, उसका फाइलम है मॉलस्का। ठीक है, इस मॉलस्का में प्रेजेंट होता है हीमोसाइनिन, दिस इज अ प्रोटीन। ठीक है, इसमें दो कॉपर एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैव सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ओके, तो ये हाइड्रो सॉल्ट्स होते, जैसे कि हमने अभी देखा था ना कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, या मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, तो आप यहाँ पे हमारी बात हो रही है आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट की, जिंक सल्फेट की, तो तीनों की देखो, कॉपर सल्फेट लिख दिया, आयरन सल्फेट इज FeSO4 डॉट 7H2O, एंड जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। ठीक है, अब इसका एक और नाम अभी मैंने बताया था आपको ब्लू विट्रॉयल, इसका होता है ग्रीन विट्रॉयल, और ये बहुत कम देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा शायद, सुना होगा व्हाइट विट्रॉयल। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आप देखो FeSO4 और ZnSO4 में सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट और उनके एरिया ऑफ स्टडीज पूछे हमसे। ठीक है, चलिए, तो जे डी वॉटसन,
इज मॉलिकुलर बायोलॉजी, यहाँ पे 3 हो जाएगा। लुईस पाश्चर इज माइक्रोबायोलॉजी, कार्ल लिनियस इज टैक्सोनॉमी, एंड चार्ल्स डार्विन इज इवोल्यूशन। ये तो हम सबको पता ही, ठीक है ना। सो 3-1-2-4, 3-1-2-4, ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशन वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इट हैपेंस ड्यू टू, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसमें, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2, और वो मिलता है हमारे वाटर के साथ, ओशन वाटर के साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, एमिशन बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और वाटर के साथ मिलता है तो ये बना लेता है H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये हमारा रेन वाटर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है ये कॉज कर रहा है एसिडिटी, ठीक है। अभी मतलब ऐसे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था हमारा, आफ्टर अ स्टडी देखा गया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से अभी तक 0.1 डिक्रीज आई है पीएच ऑफ ओशन वाटर में, ठीक है। इट इज अ वेरी लार्ज रिडक्शन, ठीक है ना। तो ओशन वाटर अब क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, ठीक है। एसिडिक क्यों हो रहा है, लार्जर अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशन वाटर, ठीक है। सो ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिस इज 99। ऑल दी एनर्जी रिसीव्ड, स्टेटमेंट 1 एंड 2, तो ऑल द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज फ्रॉम द सन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये तो सही है। द अर्थ ऑल्सो रेडिएट्स बैक ऑल द रिसीव्ड एनर्जी थ्रू वेरियस वेज टू मेंटेन द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे बोला है कि भाई एक्सप्लेनेशन भी सही है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना है, एंड देन उसके बाद आप लगा सकते हैं देयर फोर हो गया, बिकॉज हो गया, हेंस हो गया, दस, लाइक दीज वर्ड्स। आप इस स्टेटमेंट के बाद पढ़ो, ये वर्ड लगाओ, फिर ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। लेट्स से ऑल द एनर्जी रिसीव्ड बाय दिस अर्थ इज फ्रॉम द सन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिकॉज द अर्थ ऑल्सो रेडिएट्स बैक ऑल द रिसीव्ड एनर्जी थ्रू वेरियस वेज टू मेंटेन द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही तो है, बट ये आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। दैट इसलिए वैसे ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारा ऐसे क्वेश्चंस में सही होता है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, पर स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। सो देर आर सम प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, एंड फिर कुछ अदर ग्रीन हाउस गैसेस भी आते हैं, ठीक है। देखते हैं इनके नाम क्या क्या होते हैं। तो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस में हमारा H2O वेपर होता है, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाता है इट इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। फिर हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन जिसको कि हम O3 भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सभी है। अदर में हमारे आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो आपको नाइट्रोजन इसमें देखने को नहीं मिलेगा, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल आर, एसिटाइलिन इज एक्चुअली इथाइन, इथाइन इज C2H2, ऐसे इसका कुछ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दिखेंगे, ठीक है। इसमें जो ये हाइड्रोजन इसके हैं, ठीक है ना, इन हाइड्रोजन में होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनका इनमें होता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं और उसकी वजह से ये हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कंसीडर्ड एन एसिड। अब यहाँ पे जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, सो दीज आर एक्चुअली, यहाँ पे आपको एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, एसिड्स H+ डोनर होते हैं, यानी कि प्रोटोन डोनर होते हैं, और बेसिस आर H+ एक्सेप्टर, ठीक है। अब अगर आप एग्जांपल्स देखोगे तो जैसे H2SO4 हो गया एसिड्स में, HCl, BF3, AlCl3, C2H5OH, ये सभी, ठीक है। बेसिस में आप देखोगे तो NaOH, KOH, NH3 एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये सभी है, राइट। तो आप यहाँ पे इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप देखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH3, ठीक है ना। ये एसिड नहीं है, ये सभी क्या है, एसिड है, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम प्रोड्यूसेस. ठीक है, अब जब भी कोई आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन इनर शेल में आता है तो वहां पे हमेशा एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, जस्ट कीप इट इन माइंड. राइट, ऑप्शन डी. नेक्स्ट वी हैव गामा रेज कंसिस्ट ऑफ. ठीक है, अब ये जो गामा रेज होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हमें पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे रेडियो वेव हो गए, रेडियो वेव के बाद हमारे माइक्रोवेव हैं. ठीक है, माइक्रोवेव के बाद आपने हैं क्या, इंफ्रारेड, फिर हो गए विजिबल लाइट, विजिबल लाइट से के बाद होते हैं हमारे यूवी, फिर होते हैं एक्सरेज, फिर होते हैं गामा रेज. ठीक है, ये जो मैंने ग्रेट लेसर 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 करके लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है किसका, वेवलेंथ का. अगर यही फ्रीक्वेंसी का लिखते तो उल्टा हो जाता, ठीक है ना. तो ऐसे होता कुछ, रेडियो वेव सबसे कम, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर यूवी, फिर एक्सरेज और फिर गामा रेज. ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी का है ऐसे. ठीक है, और इधर ये वेवलेंथ. चलिए, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे गामा रेज. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैवी वाटर ऑफ एन एटॉमिक रिएक्टर इज. ठीक है, सो वाटर, हैवी वाटर कौन सा होता है, हमने किया हुआ है. ठीक है, D2O. ठीक है, एन ऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ना, D2O, ये यूज होता है एज अ मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव इन अ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अ न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एमिटेड, दिस मे हैपन ड्यू टू द फैक्ट दैट. अब इलेक्ट्रॉन कब एमिट होता है, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू इन द आई गेस 2017 क्वेश्चन. अब ये जब भी हमारा बीटा डीके आपका होगा तो बीटा डीके आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम पे प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स में चेंज होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में चेंज होते हैं. इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है ना, और इसके अलावा एक और पार्टिकल निकलता है जिसको कि हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन. ठीक है, तो आपका ये होगा आंसर. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी एमिटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी सॉरी, एन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कंजर्वेशन न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन. ठीक है ना, ये है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर. ठीक है, चलिए, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू हैव एंजॉयड एंड गेन्ड सम नॉलेज. थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. जय हिंद.